हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है अंजनी सर बी ब्लॉग में। तो आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है अंजनी के स्कूल से। तो हम फिलहाल उसको स्कूल से लेने जा रहे हैं, उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और आज था फर्स्ट एग्ज़ाम हिंदी का, तो चलिए देखते हैं क्या किया है। पता नहीं, अभी तो स्कूल जा रहे हैं उसको लेने। तो चलिए आज का ब्लॉग तो हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा कोई नेक्स्ट ब्लॉग आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम। और फिलहाल तो ये देख रहे हैं, हमारा चश्मा थोड़ा सा हमने सही कराया था, पर लेकिन क्या होता है पता नहीं कि ढीला हो जाता है, और ज़्यादा चिपकाती हूँ तो वो निशान पर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में चल रही हूँ मैं रास्ते में। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, थोड़ी तो दूर पे है ना, बस आने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं तुम्हें बोलूंगी नहीं बोला मैंने बोल दिया गल। मैं आ गई हूँ और अब मैं पास्ता बना रही हूँ। और नहीं चक्कर हो रही है, कैसे बंदूक चला रही है? चलिए देखो कैसे बंदूक चला रही है ये, क्या करके चौक भर के और फिर बंदूक चलेगी, चौक उड़ेगी है ना। नहीं, मुंह पे चौक लग गई। वैसे गर्मी लग रही है तो चौक लगा ले, गर्मी हो रही है। बांध के रख दो उसको, से आते ही पास्ता बनना है। अब कुछ नहीं खाया, बस आते ही पास्ता पास्ता। पंखा चल रहा था, आवाज आ रही पंखे की। तो हो रहा है, समय दोपहर के बज रहे हैं 4:15। 4:15 बजे हमें लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। और कुछ खाने के लिए हमने बनाई थी सुबह पीली मटर, उसमें हमने थोड़ा सा टमाटर आलू वगैरह डाल के चटपटी चाट सी बना ली, और हम ब्रेड के संग उसको खाएंगे। ब्रेड छोले कुलचे खाते हैं, पीली मटर और इसमें चटनी वटनी डाल के, नींबू वगैरह डाल के। और हमने बनाई है समय चाय, गर्मा गर्म चाय के साथ और पीली मटर। वैसे कि चाय का समय हो चुका है तो हमें चाय भी पी लेंगे, और कुछ हल्की फुल्की भूख भी, इससे से पीली मटर भी हम खा लेंगे। और हमारा पढ़ाई का समय हो गया है, और हम एन सही नहीं है, राइटिंग ख़राब है बेटा एन की। एन बहुत अच्छा बनाइए, रेजर कीजिए फिर अच्छा बनाइए। ठीक है, क्या ये वेरी गुड डिक्टेशन वर्ड में मैम बोलेंगी आपको लिखना है। हाँ, ये क्या लिखा है? एम ए बताओ ये क्या लिखा हुआ है? भूल गया। कलर पता बच्चों पे है ना, देखो डिक्टेशन वर्ड दिए
ये लिखना कैन, ये क्या लिख रही हो आप, क्या लिख रही हो आप, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए हम क्या लिख। डिक्टेशन वर्ड, पता कैसे लगी मैम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है कैसे पढ़ना है पहले ये देखना है कि क्या लिख रहे, पहले लिखने से पहले ये देखो कि हम क्या लिख रहे हैं बेटा, कि क्या शब्द बना रहे हैं, शब्द ही नहीं मालूम होगी हम कैसे पढ़ेंगे फिर आगे ये बताओ, ठीक है ना। पर आप तो गलत लिख रही हो देख के भी, मैंने क्या कहा पहले शब्द देखो क्या लिख रही हो। डिक्टेशन वर्ड में मैन, मैन ओ पी आर एस टी यू, ये तो एबीसीडी बोल रही हो, ये एबीसीडी थोड़ी ना है, वाई ये देखो मैन एम ए एन मैन, पर ये तो आपने पी एन पेन लिखना था, आपने क्या लिखा ये पी ए एन, पहले शब्दों को देखो पहचानो फिर लिखो, क्या फिर हम भूल जाएंगे, हमें याद थोड़ी ना होगा, वो याद कैसे होता है। वैसे तो ये ब्लॉक मुझे अभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसमें पढ़ाई का समय चला है, बच्चों के पढ़ाई के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ोन नहीं देखना चाहिए, मैं भी इससे एग्री करती हूँ, बट मेरा वीडियोस बनाने का ये मोटिव था कि बच्चे अभी प्ले ग्रुप, मेरी अंजनी है अभी 5+ की, तो उसके अभी से ही स्कूल में डिक्टेशन वर्ड, जो अब बच्चे डिक्टेशन वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो वो डिक्टेशन क्या लिखेंगे, और मतलब पेपर में उसकी डिक्टेशन जरूर आएगी, और मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं क्या बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं है एलकेजी में इतना डिक्टेशन, जिसे एबीसीडी भी नहीं अच्छे से लिखने आ रही हो, मतलब लिख लेंगे हर कोई बच्चा तो नहीं लिख पाता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो चलिए आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, कि मतलब थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है ना बच्चों के हिसाब से। तो चलिए आज का ब्लॉग तो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आशा करती हूँ आपको हमारे ये वीडियोस भी और वीडियोस की तरह अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि बच्चों को देखिए आपने देखा कि पढ़ते समय क्या क्या शैतानी होती है बच्चों की, तो सबके बच्चे ही करते होंगे। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9 PM डेली रूटीन शेयर।